अगली खबर की ओर। ईंट भट्टे में नक्सलियों ने धावा बोला। कांटी टांड स्थित चिमनी भट्टे पर धावा बोला है। जेसीबी ट्रैक्टर समेत बाइक में आग भी लगाई है। नक्सलियों ने मजदूरों के साथ मारपीट की। ईंट भट्टे के मालिक को 5 लाख फरौती की मांग की है। वर्दी और हथियार के साथ पहुंचे थे नक्सली। घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है। घाटो वेस्ट ओपी क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। घाटो वेस्ट ओपी का यह मामला बताया जा रहा है। हथियार के साथ नक्सली पहुंचे थे। करीब मालिक से 5 लाख रुपए की फिरौती भी मांगी है। तो काठी टांड स्थित चिमनी भट्टे पर नक्सलियों ने धावा बोल दिया है। जेसीबी ट्रैक्टर समेत बाइक में आग तक लगा दी है। नक्सलियों ने एक बार फिर दहशत का माहौल स्थानीय लोगों को दिखाया है। मजदूरों के साथ मारपीट भी की। और इस खबर पर विशेष जानकारी के लिए हमारे साथ रामगढ़ से फोन लाइन पर महावीर जुड़ चुके हैं। महावीर, पूरा मामला क्या है? जिस तरीके से नक्सलियों के खिलाफ एक तो सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, नक्सलियों को माओवादियों को खत्म करने की बात कही जा रही है, वहीं दूसरी तरफ यह तस्वीर सामने आई है, मजदूरों के साथ मारपीट की गई, ईंट भट्टे के मालिक से 5 लाख रुपए मांगे भी गए फिरौती के तौर पर, क्या कुछ हुआ है पूरा मामला, इसके बारे में पूरी जानकारी हमारे दर्शकों को दें। जी, आपको बता दो, रामगढ़ जिला बेस्ट बोकारो घाटो ओपी क्षेत्र के लइयो काठे टाण में अजय मेहता का ईंट भट्टा है जी। वहां पर जो कहा जा रहा है, जो जानकारी अभी मिल रही है कि 25-30 की संख्या में वर्दी पहने हथियारों से लैस नक्सली पहुंचे थे और वहां पर मजदूरों को काम करने के लिए मना किया, काम करने पर गोली मार देने की धमकी दी और उसके बाद वहां ईंट भट्टा में जो मशीनें काम कर रही थी खड़े थे, जेसीबी, एक जेसीबी मशीन, ट्रैक्टर और एक बाइक को हाथ के हवाले कर दिया। और जो बात मजदूरों से पता चला है कि 5 लाख रुपए की लेवी की मांग की गई थी नक्सलियों के द्वारा, जिसे नहीं देने पर इस घटना को अंजाम दिया गया है। इस घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है। मजदूर ईंट भट्टा में काम नहीं कर रहे हैं। आपको बता दूं कि जो घटना क्षेत्र है वो बोकारो जिला से एकदम सटा हुआ है। महावीर, क्या इन घटनाओं के बाद पुलिस प्रशासन जानकारी के बाद वहां पहुंची है? क्या कुछ हो रहा है वहां पर इस वक्त? जी, घटना की जानकारी मिलते ही जिले के एसपी प्रभात कुमार और डीएसपी किशोर रजक वहां घटना स्थल पर पहुंचे और हर बारीकी से पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। प्रथम दृष्टि में एसपी का कहना है कि ये घटना अपराधियों द्वारा की गई जांच लगती है और हो सकता है कि इसमें अपराधियों ने नक्सली का रूप देने का प्रयास किया है, लेकिन वहां के जो मजदूर है उनका कहना है कि ये नक्सली आए थे। एसपी प्रभात कुमार का भी साफ कहना है कि इसमें अगर जो भी नक्सली हो या अपराधी हो, प्रथम दृष्टा से तो ये अपराधियों का मामला लग रहा है, लेकिन अपराधियों ने इसमें नक्सली का रूप देने का प्रयास किया। जो भी हो उनको छोड़ा नहीं जाएगा, पहचान की जाएगी और उन लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। एसपी प्रभात कुमार ने यहाँ तक कहा है कि 24 घंटे के अंदर इस वारदात को अंजाम देने वाले अपराधी पुलिस के शिकंजे में होंगे। चलिए महावीर, अब देखना ये होगा कि 24 घंटे के अंदर अंदर जिला प्रशासन क्या कुछ कर पाती है, जो आरोप लगे नक्सलियों पर उन आरोपियों को पुलिस प्रशासन पकड़ पाती है कि नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया महावीर तमाम जानकारी के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।